जब हम हरिजन नहीं तो हम दलित भी नहीं। मारे मंच पर चढ़ के मारे तनु कह रहे हैं हम दलित समाज के लोग हैं। अरे हम क्यों दलित है भाई, पगड़ी बांध गा रहे हैं दलित को नहीं। बोड़े दिन पागल मत बनाओ, मारा मारा आरक्षण खा जा, मारी सीट खा जा, मारा मारे मुआवजे खा जा, और मारते नु कह रहे हैं दलित समाज के लोग। अरे पागल समझ रहे हैं हमने आप लोगों को। इनका प्रोपगंडा बताती हूँ, एक दिन कांग्रेस वाले आएंगे, एक दिन आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, फिर जेजेपी वाले आएंगे, फिर बसपा वाले आएंगे, फिर असपा वाले आएंगे, फिर ऐसे 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 करके सब लोग अलग अलग आते हैं। भाई तुम इकट्ठे क्यों नहीं आते, अलाव ना सरकार को, इकट्ठे आओ। इन लोगों ने अपने आदमी यहाँ पे छोड़ रखे हैं। जब कांग्रेस वाले चले जाएंगे, जब आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। पहले अपना सत्ता पक्ष, पहले अपनी मजबूती तो इकट्ठी करो। देश को तो जब आजाद कराओगे तुम, जो पिट गया उसको संविधान सबसे पहले नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज हर एक राजनीतिक पार्टी ये कह रही है संविधान बदल गया, संविधान बदल गया। हर एक राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा ली। अरे क्यों लगा रखी है फोटो, उन्हें तो बता दो। यो एससी समाज, ये एससी ओबीसी बीसी समाज समझता क्यों नहीं इस बात को कि क्यों लगा रखी है वो फोटो। वो फोटो केवल इसलिए लगा रखी थारी संख्या ज्यादा है बोड़ो। हरियाणा के लोगों की तरफ से और एससी खाप महापंचायत की तरफ से हम एक ही एक संदेश लेकर आए हैं कि देश की बेटियां देश का गौरव हैं, उनको किसी राजनीति से तोलने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि देश की बेटियां देश का गौरव है, उनको किसी राजनीति से जोड़ने के मतलब नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि कुछ हरियाणा के लोग हैं और वो जाट कम्युनिटी के लेंगे, ये सारा देश नहीं है और ये सारा जो है वो प्लेयर नहीं है पूरे देश। अरे भाई साहब, जाट वो अपने गांव में थे, वो जाट हरियाणा में थे, जब वो भारत में गई, जब भारत स्तर पर नेशनल स्तर पर खेली उस समय वो हरियाणा की बेटी थी, और जब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली उस समय वो देश की बेटी थी। तो जाट तो वो अपने घर में थी, और जो जाट की है वो जाट की रहेगी, वो बदल थोड़ी जाएगी, उसको बदलने का प्रयास क्यों। मैंने अनुसूचित जाति में ऐसे समाज में जन्म ले लिया तो मैं सीखी रहूंगी, बदल थोड़ी जाऊंगी। तो आप कह रहे हैं कि मैं बदल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन देश के अंदर जाति है कि जाति नहीं कभी। अगर वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक मारती है, देश का नाम रोशन करती है, तो वो भी देश की बेटी होनी चाहिए। लेकिन जब मैच हार जाते हैं तो कुछ जातिवादी गुंडे उसके घर के सामने नारा लगाते हैं, चमार की छोरी घर से बाहर आ। अब मुझे बताओ कि एक आदमी जब ट्वीट तक नहीं करता है तो वंदना कटारिया तो गली की बेटी नहीं बनती है, और ये लड़कियां जो वो देश की बेटी कैसे बन गई। मैं आपको बता दूं, वंदना कटारिया के साथ जब ये घटना हुई थी उस दिन, उस समय हरियाणा में एससी खाप महापंचायत नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी खाप महापंचायतें थी जिन्होंने एससी समाज के विरुद्ध बहुत सारे फैसले लिए। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने हरियाणा में ऐसी खाप महापंचायत का निर्माण किया, और आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज हमारे खिलाड़ी भी उतने ही सुरक्षित होंगे जितने आज औरों के हैं। और अपने देश के हमारे बिरजू पहलवान जी थे जो वाल्मीकि समाज से थे, उनके साथ उस कांग्रेस ने अत्याचार किया जो आज और कल यहाँ पर खड़ी होकर समर्थन दे रही थी कि हम पहलवानों के लिए ये करेंगे। वो बिरजू भी तो था, उसके लिए क्यों नहीं समर्थन दिया तुमने? उनका नाश पीटने का, उसका जीवन तबाह करने का काम भी तो इन्होंने किया था। तो इन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बच्चों आप देश का गौरव हो, आप देश के बच्चे हो, इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि राजनेताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मंच का राजनीतिकरण तो हो ही रहा है। नहीं हो रहा है। अगर सरकार अपने उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रही है, तो विपक्ष जो वो यहाँ करके राजनीति बनाने का काम कर रहा है, तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। देखो जनता को ये बात समझनी चाहिए, ये लोग जिस स्थिति पर आज यहाँ पर बैठे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं भाई साहब, यहाँ पर बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। रात के समय में अपने घर की बहू को लेकर यहाँ पर बैठना कोई सामान्य बात नहीं है। और रात को कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे वो तो इन लोगों को ही पता है। मैं खुद एक धरने से गुजरी हूँ, 15 दिन धरने पर बैठी थी। रात को मैं और मेरे पति अकेले ही रह जाते थे, कोई साथ नहीं बैठता था। लेकिन दिन में फिर हम लोग ये सोचते थे अरे कम से कम विपक्षी हमारे साथ आ जाओ, कम से कम यहाँ भीड़ तो दिखेगी। तो भीड़ की भी जरूरत है, और विपक्षी पार्टियों का काम क्या है? हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे, उनके पास जगह ही नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा नुकसान किया शोषण किया, आपने बिरजू पहलवान का नाम लिया और कई वंदना कटारिया यादव थे, नरसिंह यादव थे, यादव का जो है। लेकिन उसके बाद में आप फिर वही कह रहे हैं कि विपक्ष भी अगर आकर के खड़ा होता तो कम से कम संख्या बल तो दिखता है, तो विपक्ष की जरूरत है फिर कहीं ना कहीं। देखो विपक्ष की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जब अकेला रहता है तो उसको किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विपक्षी जो है वो आवाज ना उठाएं, लेकिन वो जब यहाँ ये गिनवाते हैं ना कि हमने अपनी सरकार में ये करा और हमने अपनी सरकार में ये करा, उस समय उन लोगों से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि बिरजू पहलवान के लिए क्या करा था, वंदना कटारिया के लिए क्या करा था, नरसिंह यादव के लिए क्या करा था। मैं केवल यहाँ के लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी बिरजू पहलवान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने नहीं दिया था, और इन लोगों को आज यही बताने के लिए आया इस मीडिया के माध्यम से। इन विपक्षी पार्टियों को भी ये कहना चाहती हूँ, सत्ता में आ जाना तुम,
लेकिन तुम्हें बताएंगे कि अगर आपकी बार हमारे बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ करी तो हम लोग तुम्हें जवाब देने का काम करेंगे, जवाब देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल यही है कि कब तक इस प्रकार से यहाँ बैठे रहेंगे कि सरकार टस्से मस होने के उसका कोई इरादा है नहीं। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, सरकार कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, योगी जी ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और ब्रजभूषण शरण जी हो वो भी ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, तो जातिवाद का जो गेम है वो खुला चल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि कब तक इस प्रकार ओपन स्पेस में आप बैठे रहेंगे, न्याय मिलेगा? क्योंकि मुझे लग रहा है 15 दिन तो हो गए आप लोगों को, इन लोगों को यहाँ बैठे 15 दिन हो गए हैं। मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ, आपको बता दूँ देश की जनता घर पे बैठ के ये कह रही है संविधान बदल रहा है, हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। खासकर हमारे वाले लोग ये कहते हैं संविधान को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। ये संविधान का बदलना ही था कि एक सामान्य सा SHO इस FIR को दर्ज कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाया गया। ये संविधान ही तो बदलना था, प्रोसेस ऑफ वर्किंग को तोड़ दिया गया। ये संविधान बदलने की करामत है। और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यूं कह रही हैं कि भाई हम संविधान नहीं टूटने देंगे, हम संविधान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों को इनका प्रोपगंडा बताती हूँ। एक दिन बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, एक दिन आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, फिर JJP वाले आएंगे, फिर बसपा वाले आएंगे, फिर ASPA वाले आएंगे, फिर ऐसे 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 करके सब लोग अलग अलग आते हैं। भाई तुम इकट्ठे क्यों नहीं आते, अलाओ ना सरकार को, इकट्ठे आओ। इन लोगों ने अपने आदमी यहाँ पे छोड़ रखे हैं। जब कांग्रेस वाले चले जाएंगे, जब आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। पहले अपना सत्ता पक्ष, पहले अपनी मजबूती तो इकट्ठी करो, देश को तो जब आजाद कराओगे तुम। ये सब लोग संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझे कि ये लोग लगातार हमारा विरोध करते आ रहे हैं। तो संविधान की जरूरत है किसको? संविधान की जरूरत में आप जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे। अगर संविधान बदलने वाली बात आए तो सबसे पहले जो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं वही कहेंगे कि नहीं, मनुस्मृति ज्यादा बेहतर है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। आप बताओ ना फिर संविधान की जरूरत किसको है? देखो, संविधान की जरूरत आज हर एक आदमी को नजर आ रही है, उस आदमी को खासकर नजर आ रही है जिसको ये लगता है, जिसका थप्पड़ लग गया उसको संविधान को सबकी ज्यादा जरूरत है। जिसको जो पिट गया उसको संविधान सबसे पहले नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं आज हर एक राजनीतिक पार्टी ये कह रही है संविधान बदल गया। हर एक राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा ली। अरे क्यों लगा रखी है फोटो, उन्हें तो बता दो। यो SC समाज, ये SC OBC BC समाज समझता क्यों नहीं इस बात को कि क्यों लगा रखी है वो फोटो? केवल इसलिए लगा रखी थारी संख्या ज्यादा है, बोलो थारी संख्या ज्यादा, थारे वो बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन थारी संख्या का जोर समझ में आ गया उस दिन बेरा पार जाओगे कौन कितना पानी में है। सारा रोड़ा संख्या का है, मारे मंच पर चढ़ के मारे तनु कह रहे हैं हम दलित समाज के लोग हैं। अरे हम क्यों दलित है भाई, पगड़ी बांध गा रहे हैं दलित को नहीं, बोड़े दिन पागल मत बनाओ। हमारा मारा मारे मंच पे आके मारा आरक्षण खा जा, मारी सीट खा जा, मारा मारे मुआवजे खा जा, मारते नु कर रहे हैं दलित समाज के लोग। अरे पागल समझ रहे हैं हमने, गए वे दिन लद लिए थारे दलित समाज के, इब कह के दिखाओ मारता दलित बतावांगे थमने। जब हम हरिजन नहीं तो हम दलित भी नहीं, हम दलित भी नहीं। SC समाज के बहुत सारे ऐसे पहलवान रहे जो शायद पिछले समय में या शायद ऐसी खाप महापंचायत बनने से पहले उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ होगा। भाई अब हमारे पहलवानों के साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा। हमने इन बेटियों से ये सीखा कि अगर हमारे ऊपर कोई आंच आएगी हम जंतर मंतर पर बैठेंगे, आगे से हम लोग भी जंतर मंतर पर बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ हम यहीं बैठेंगे। हमें रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।